ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ठीक है, और मनी मॉनिटरी इश्यूज, कोई कहता है ब्लॉक फंड है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हैं, ठीक है, या फिर ग्रोथ नहीं हो रही, मन चाहा जैसा जॉब चाहिए वैसा नहीं मिल रहा, तो कहीं पे भी कोर्ट केसेस हैं, उन सब चीजों के लिए हम रूट चक्र के टीले जाते हैं। उसके बाद आते हैं हम सेक्रल चक्र, तो ये क्या देता है, इन शॉर्ट एक वर्ड में मनी देता है हमें। अगर हमें एक वर्ड में जाना है रूट चक्र क्या देता है हमें, तो ये हमें मनी देता है। उसके बाद हम आते हैं सेक्रल चक्र पे, नेवल से 3 इंचेस बिलो लोअर एब्डोमेन पे, जहाँ पे हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, वो गवर्न करता है, उसको बोलते हैं स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान यानी कि अपनी ओन एग्जिस्टेंस, अपनी आइडेंटिटी, हम लाइफ में क्यों आए हैं, हमारे लाइफ का क्या पर्पस है। हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ एक पर्पस है, जो आपको एक ह्यूमन बर्थ मिला है, आपने इसमें कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में करना है। क्या आप वो कर रहे हैं, वो आपको हेल्प करता है फाइंड आउट करने में। बहुत बार 10th और 12th के बाद बच्चों को पता नहीं होता उनको करना क्या है, और बहुत बार हम लोग कहते हैं हम तो 40 ईयर्स के हो गए, हमें पता ही नहीं हमें करना क्या है, बस करे जा रहे हैं जो कर रहे हैं, लेकिन अंदर की क्या इच्छा हमें नहीं पता, हमारे अंदर क्या क्वालिटी है हमें नहीं पता। तो किसी के अंदर 100 कमियां भी है, एक क्वालिटी होती है, वो क्वालिटी हमें सेक्रल चक्र पे जब हम ध्यान लगाते हैं तो हमें पता चलने लग जाता है, हम उस पर काम करने लग जाते हैं। प्लस यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है सारे, तो जितनी भी मेल्स और फीमेल्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, यहाँ से हील होती है, रिलेशनशिप हील होती है, ठीक है, हार्मोनल इश्यूज है वो हील होते हैं, कोई भी आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड चाहे मेल या फीमेल वो ऑर्गन हील होता है। इसका कलर होता है ऑरेंज, इसका साउंड होता है बम, जब हम बम चैंट करते हैं तो हमारा वो हील होता है चक्र इसका। हाँ जी, बम बम बी एम सेक्रल ऑरेंज, सेक्रल चक्र है, कलर ऑरेंज है, साउंड इसकी बम है, वॉटर एलिमेंट है बी बी। हाँ जी, पेन टेबल पे, तो इससे आपका साथ में कोई भी रिलेशनशिप इशू है वो हील हो जाता है, हार्मोनल इश्यूज है वो हील हो जाते हैं, कंसेप्शन रिलेटेड प्रॉब्लम है वो हील हो जाती है, हस्बैंड वाइफ में बन नहीं रही वो हील हो जाते हैं, रिलेशनशिप हील होते हैं वहाँ पे। प्लस इसकी छोटी छोटी हम रेमेडीज ये भी कर सकते हैं कि हम ऑरेंज कलर के क्लोथ्स पहन सकते हैं, या अगर रूट चक्र वीक है तो रेड कलर के हम क्लोथ्स पहन सकते हैं, जो मैंने आपको कलर बताया उसकी भी हम रेमेडी कर सकते हैं, ये भी कलर थेरेपी का पार्ट है, हम वो कलर डेली पहन सकते हैं। वो कहेंगे हम डेली एक ही कलर नहीं पहन सकते, एक ही कलर का सूट नहीं पहन सकते, एक ही कलर की शर्ट नहीं पहन सकते, तो इनर्स में पहन सकते हो, या फिर उस कलर का हमेशा अपने पास एक हैंकी रखो, या फिर उस कलर का क्रिस्टल भी आप अपने पास रख सकते हो, सेमी प्रेशियस जैसे माला होती है, ब्रेसलेट्स होता है, या पहन सकते हैं, इससे आपकी एनर्जी 4 to 10 times मल्टीप्लाई। ऑरेंज 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 होता है कार्नेलियन, वो स्टोन आप बेयर कर सकते हो, या फिर उस कलर की बेडशीट के ऊपर आप सो सकते हो, या फिर उस कलर की मेडिटेशन कर सकते हो कि कलर आपके अंदर जा रहा है और नेगेटिविटी खत्म हो रही है, या फिर उस कलर का आप कोई फ्रूट भी खा सकते हो, जैसे ऑरेंज कलर का किन्नू हो गया, ऑरेंज हो गया, वो आप डेली खा सकते हो, नेचुरल कलर देखना कि आपकी बॉडी में जा रहा है। रेड कलर में भी आपने देखना नेचुरल रेड कलर, जैसे अनार हो गया, पॉमिग्रेनेट हो गया, कैरेट हो गया, कैरेट जूस हो गया, नहीं वो नहीं, जो जनरली में कर रहे हो वो नहीं, कुछ अलग हटके। और ये जो रेमेडी आपको 40 डेज करना है, सबसे बेस्ट रेमेडी और विदाउट एनी एक्सपेंस जो रेमेडी होती है, आप कलर्ड बॉटल्स होती है कांच की, ग्लास की कलर्ड बॉटल्स, 2 कलर्ड बॉटल्स ले लो, उस कलर की पानी भर के उसको सनलाइट में रखो, ठीक है, और एक बॉटल उठाओ और उसको डेली पानी पीना है, फिर दूसरी एक खत्म होगी दूसरी भर दो, फिर दूसरी पीना है, ये आपने रेमेडी 40 डेज करना है, 40 डेज में आपको बहुत राहत मिलेगी। नहीं, वो कलर्ड बॉटल लेना है, ऑरेंज कलर की या ग्लास की, प्लास्टिक की नहीं, ग्लास की, उसको सनलाइट में रखना है, वो चार्ज हो जाएगा, उसका कलर आ जाएगा नेचुरल कलर उसके अंदर, वैसे कलर नहीं आएगा लेकिन उसकी रेज आ जाएंगी, और जब वो पानी पियोगे आपको वो रेज मिलने लग जाएंगे। और बहुत बार हमने ये भी नोटिस करा है, जिसका जो चक्र ब्लॉक होता है या डेफिशिएंट होता है उसको वो कलर पसंद नहीं होता। अब सपोजिंग किसी का मनी रिलेटेड इश्यूज है, हम उसको बोलेंगे कि आप रेड कलर पहनो, या फिर रिलेशनशिप प्रॉब्लम ऑरेंज कलर पहनो, वो कहते हैं हमारे पास तो मैम वो कलर ही नहीं है, हमारे तो वार्डरोब में वो कलर नहीं है, हमें तो पसंद नहीं है वो कलर। अगर आपको वो कलर पसंद नहीं है इसका मतलब वो एनर्जी आप नहीं ले पा रहे, वो जो नेचुरल कलर की एनर्जी है वो आपके पास नहीं है, इसलिए वो वीक है, ठीक है। तो हमें सारे रेनबो कलर्स पहनने चाहिए,
और जो वीक है उसको ज्यादा पहनना चाहिए हफ्ते में दो बार या तीन बार। छोटी छोटी चीजें लेकिन हमें पता ही नहीं है इसके बारे में। जब हम इसको रेगुलर बेसिस पे करने लग जाएंगे और जब हम शॉपिंग करेंगे ना तो हमें जो कलर पसंद होगा, जैसे कई लोग ब्लैक पहनते तो वो ब्लैक ही पसंद करेंगे, उनको पसंद ही उसमें आएगा। जिसको व्हाइट है तो व्हाइट में पसंद करेगा, जो उसके ऊपर फ्लावर्स और पेटल्स अलग होंगे। आप देखो कि आपके पास सेम 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 कलर्स होंगे लेकिन आपने वेराइटी सारे कलर्स पहन लिया, ठीक है, तभी आपकी लाइफ बैलेंस होगी। हाँ जी, जैसे आपने बॉटल बताया तो क्या ये एक ही बार में एक ही बॉटल का मतलब एक ही कलर की बॉटल का पानी पीना है? नहीं, दो तीन भी पी सकते हो अगर आपको और ज्यादा करना है तो। लेकिन जो मेजर प्रॉब्लम है उसके ऊपर हम पहले फोकस करेंगे। मनी को रूट चक्र कदम्बी चद्दर खोल लो कदम्बी। आपने टू बॉटल्स ली, एक बॉटल आपने ले ली उसका पानी पी रहे हो आप, दूसरी फिल करके रख दी सनलाइट में, ठीक है, फिर दूसरी ले ली फिर पहली वाली को फिल करके रख दी। कितनी देर रखना है? कम से कम 4 घंटे, मिनिमम 4 आवर्स टू मैक्सिमम 24 आवर्स। मैम ये आजकल वो आए हुए प्लास्टिक के स्क्वायर शेप कंटेनर, उसके ऊपर टॉप पे ऐसा प्रिज्म किस्म का वो भी इसी से रिलेटेड है। पिरामिड कह रहे हो? पिरामिड रहता है, प्लास्टिक का ही रहता है, कंटेनर में पानी भर के रखना। हाँ, उसको हीलिंग के लिए हम यूज करते हैं, उसको चार्ज करते हैं, उसको भी ऐसे हम रख देते हैं भर के। हाँ, पानी होता है उसका भी आपको बता दूंगी, पानी होता है उसके बाद प्रिज्म रखते हैं या फिर आपको सिंबल भी बनाते हैं, वो एडवांस स्टेज पर आता है, सेकंड डिग्री में आता है, तो उसको हम चार्ज करके उसका पानी पी सकते हैं, तो भी आपके बहुत सारे इश्यूज लाइफ के हील होते हैं, ठीक है। मेडिसिन के ऊपर भी हम कर सकते हैं, जैसे मेडिसिन का इफेक्ट खत्म हो जाए, नेगेटिव इफेक्ट। थैंक यू।